भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आखिरी मुकाबले के लिए अब से कुछ ही देर में सब कोई तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले एक बार फिर गेंदबाजी का फैसला किया। बतौर कप्तान कप्तान कोहली का ये 200वां मुकाबला है। बड़ी बात यह है कि आज के मुकाबले में हैरत भरा चेंज भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला है। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में भारतीय स्पिनर्स की पिटाई हुई थी, उस लिहाज से देखा जाए तो आज भारतीय टीम में कई अलग बदलाव देखने की उम्मीद की जानी थी। यानी कि आज सिर्फ एक स्पिनर, वो भी कृणाल पांड्या, भारत की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और चार पेसर्स के साथ टीम इंडिया इस मुकाबले में उतरी है। आपको बता दें कि यहाँ पर मार्क वुड को टॉम करन की जगह इंग्लिश टीम में शामिल किया गया है, यानी कि जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय ओपन करेंगे। तीन नंबर खेलेंगे यहाँ पर बेन स्टोक्स, चार नंबर पर खेलेंगे जॉस बटलर, पांच नंबर पर डेविड मलान, छह नंबर पर लियाम लिविंगस्टोन, सात नंबर पर सैम करन, आठ नंबर पर मार्क वुड, नौ नंबर पर आदिल रशीद, दस नंबर पर मोइन अली और ग्यारह नंबर पर रीस टॉपले खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम में भी आज एक बदलाव है। कुलदीप यादव की जगह टी नटराजन को टीम में शामिल किया गया है, यानी कि रोहित शर्मा शिखर धवन पारी की शुरुआत करेंगे। तीन नंबर खेलेंगे कप्तान कोहली, चार नंबर खेलेंगे के एल राहुल, पांच नंबर खेलेंगे यहां पर ऋषभ पंत, छह नंबर खेलेंगे हार्दिक पांड्या, सात नंबर कृणाल पांड्या, आठ नंबर शार्दुल ठाकुर, नौ नंबर भुवनेश्वर कुमार, दस नंबर खेलेंगे टी नटराजन और 11 नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये प्लेइंग 11 भारत की अभी तक नजर आ रही है। सिर्फ एक स्पिनर भारत ने आज के इस मुकाबले में खिलाया है, क्योंकि पिच पर थोड़ी बहुत घास है। हालांकि पिच हार्ड है तो उतना मुश्किल नहीं है होगा यहाँ पर बल्लेबाजी करना। हालांकि पहली पारी में आप जितना थोड़ा सा फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे उतना भारतीय टीम के लिए ज़्यादा अच्छा है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।